वर्तमान शासननायक भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। जगत ज्येष्ठ जगत श्रेष्ठ आचार्य देव विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना मुनिराज ब्रह्मासागर जी महाराज की, तीर्थराज सम्मेद शिखर जी की, अहिंसामयी जैन धर्म की। तीर्थराज सम्मेद शिखर के सुरम्य क्षेत्र में अवस्थित गुणायतन में स्थित आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य महामना मुनिराज ब्रह्मासागर जी महाराज, जो गुणायतन प्रणेता संख्या समाधान प्रवर्तक भावना एक प्रसोता एवं संप्रेक्षण के रूप में जगत विख्यात हैं, उनकी श्री सन्निधि में हम सब विराजमान हैं। और वे सारे लोग टकटकी लगाए परस चैनल जनवाई चैनल एवं प्रमाणिक ऐप में बाढ़ जो रहे हैं उनकी वाणी मुखर होने के लिए, उन सब का आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और गुणायतन परिवार की ओर से सेवायतन परिवार की ओर से अभिनंदन करते हुए आप सबको गुरुदेव के श्री चरण से संबद्ध करने जा रहा हूं। मैं चाहता हूं गुरुदेव के श्री चरण से हम जुड़े उसके पूर्व इनका आशीष हमें प्राप्त हो। अतः मेरे साथ उच्चारिये, नमोस्तु महाराष्ट्री, नमोस्तु महाराष्ट्री, नमोस्तु महाराष्ट्री। गुरुदेव का मानसचित्र गुणायतन कुछ ही माहौल लोकार्पित होगा और कारण बने हैं आप, आपका उदात्त भाव, आपकी उदारता, आपकी उदारता ने इतने बड़े न्यास को तैयार करने में अहम भूमिका निभाई है। आज भी बहुत सारे लोगों ने अपने आप गुणायतन से जोड़ करके अपने जीवन को धन्य किया है, उनके नाम उच्चार रहा हूँ। आप करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन कीजिएगा, उनके सत्कार की अनुमोदना कीजिएगा। निर्माण निधि के रूप में श्रीमान कोमल चंद जी जैन झालावाड़ और श्री अश्विन प्रवीण सेठ भावना सेठ मुंबई, इन्होंने संबद्ध किया है अपने आप को। बहुत बहुत साधुवाद। यदि उपस्थित हैं तो अपने स्थान में खड़े होकर के आशीष प्राप्त करें। स्वर्णदान देकर के श्रीमान सुनील जैन जयपुर, इन्होंने अपने जीवन को स्वर्णिम बनाया है। बहुत बहुत साधुवाद। श्रीमान पवन जी राजश्री कासलीवाल कल्याण भवन इंदौर, इन्होंने भी स्वर्णदान देकर के अपने जीवन को स्वर्णिम बनाया है। यदि उपस्थित हैं तो सादर आमंत्रित हैं गुरुदेव का आशीष प्राप्त करने के लिए मंच में आए, आशीष प्राप्त करें। श्रीमान पवन जी राजश्री कासलीवाल इंदौर नहीं है, निर्माण शुद्धार के रूप में रेणु जैन डॉक्टर अमतांशु सी जैन नोएडा, ये संबद्ध हुए हैं गुणायतन से, सादर आमंत्रित हैं, मंच में आए गुरुदेव चरण का अभिवंदन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमती रेणु जैन डॉक्टर अमतांशु सी जैन नोएडा नहीं है, आपकी करतल ध्वनि तक पहुंचे, इन्होंने शुद्धार के रूप में जुड़ करके अपने जीवन को धन्य किया है। बहुत बहुत साधुवाद। निर्माण नायक के रूप में अपने आप को संबद्ध करके श्रीमती तेजमती अनिल कुमार इंचल, सविता जी, सुधीर जी, माधुरी, विद्यासागर, आरती, हर्षवर्धन, अदिति, गौतम, बेलगाम, कर्नाटक, ये संबद्ध हुए हैं निर्माण नायक के रूप में। बहुत बहुत साधुवाद के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ, वे आए गुरुदेव चरणों की अभिनंदन करें, अपने परिवार के साथ आकर के आशीर्वाद प्राप्त करें। नहीं है, आपकी करतल ध्वनि उन तक पहुंचे, जब जे आएंगे तब हम उनका सम्मान करेंगे। आज गुणायतन के संस्थापक सदस्य के रूप में अपने आप को जोड़ करके श्रीमान विजय कुमार जी जैन, रविकांत जैन के पुत्र अर्पित कुमार जी, स्मिता निमित, आगम जैन, अमित निधि, आर्या आरजाव जैन नागपुर ने संबद्ध किया है, शिक्षा से परिवार के साथ आ जाएं, गुरुदेव चरणों की अभिवंदन करें। ये सब व्यक्तित्व अर्पित कुमार, स्मिता जैन जो सुपुत्र हैं विजय कुमार जी के, रविकांत जी नागपुर आई आई है, इन्होंने अपने आप गुणायतन से संबद्ध किया है, संस्थापक सदस्य के रूप में फाउंडर मेंबर बने। बहुत बहुत साधुवाद के साथ इनका हम करतल ध्वनि वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं और इनका सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमान मनीष कुमार जी सराफ, श्रीमान सत्येंद्र कुमार जी सराफ, बेगमगंज ट्रस्टी गुणायतन आए सम्मान करने के लिए। सीता से आ जाए, आप इस तरफ आइए और साथ में आए श्रीमान सुनील जी रेखा जी जैन गुड़गांव, सुनील जी रेखा जी जैन गुड़गांव ट्रस्टी गुणायतन, ये भी सम्मान करने के लिए पहुंचे हैं, सीता से आ जाए। श्रीमान मनीष जी एवं सत्येंद्र जी जैन सराफ ट्रस्टी गुणायतन बेगमगंज, इस प्रकार से आप हम सब इनका सम्मान करके हर्षित हो रहे हैं, गुणायतन की गरिमा महिमा मंडित हो रही है। और मैं आप सबको लिए चलता हूँ गुरुदेव के चरणों में, जहाँ हम समाधान प्राप्त करके अपने जीवन को
अग्रसर करेंगे मोक्ष पथ की ओर, ऐसे उनके समाधान पाकर के हम बढ़ेंगे। आज महर्षि कुछ ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से इस कार्यक्रम गति प्रदान करना चाहता हूँ, आपका आशीष चाहते हुए। नीलम जी जैन बड़ौत उत्तर प्रदेश से आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए जानना चाहती हैं, गुरुदेव बीते दिन हमारे शहर में मुनि दीक्षा हुई है, तो दीक्षा की शोभा यात्रा में दीक्षार्थियों पर सिक्के बरसाए गए, क्या ये उचित है? अब बरसाने वाले लोग भावनाओं में बह के बरसा देते हैं, भगवान के कल्याणक होते तो रत्न बरसाते हैं। अब लोगों ने अपना धन बरसाना शुरू कर दिया। अब ये एक व्यवस्थाएं हैं जो सदियों से लोग बना देते हैं, मेरे विचार से इनमें अतिरेक की जगह विवेक का प्रयोग होना चाहिए। बहुत बढ़िया। और श्री नितिन जी जैन बिनौली बागपत, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव तकदीर को कहाँ तक आजमाएं और तरकीब को कहाँ तक लगाएं, क्योंकि सुना गया है कि जो तकदीर में ना हो वो तरकीब से भी नहीं मिलता। तकदीर को कहाँ तक आजमाएं और तरकीब को कहाँ तक लगाएं? जब तक तरकीब न लगे तकदीर को आजमाते रहो, और जब तक तकदीर साथ दे तरकीब लगाते रहो, ज़्यादा दिमाग मत करो। गुरुदेव रविशंकर जी पांडे बेंगलोर कर्नाटक, आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते जानना चाहते हैं, कथा एवं शास्त्रों के अनुसार आदि शक्ति दो भागों में बटी हुई है, पुरुष और प्रकृति। कृपया वर्तमान समय में पुरुष और प्रकृति का महात्म्य, उद्देश्य और धर्म बताने की कृपा कीजिए। देखिए, प्रकृति और पुरुष जड़ और चेतन के रूप में दो भागों में विभाजित है। जड़ चेतन का यह गठबंधन ही संसार को बढ़ाता है। यदि हम प्रकृति और पुरुष का भेद विज्ञान करते हैं और अपने भीतर के आत्म तत्व को पहचानते हैं, तभी अपना कल्याण कर सकते हैं। जैन दर्शन में प्रकृति को जड़ रूप और पुरुष को चैतन्य स्वरूप माना है। प्रकृति से संबंध होते ही पुरुष विकृत हो जाता है, और जब उसका प्रकृति से संबंध टूटता है और पुरुष अपने स्वभाव को प्रकट करता है, तब मोक्ष को प्राप्त करता है। तो पुरुष का संपूर्ण संपर्कों से मुक्त होकर स्वभाव में लीन होना ही मोक्ष है। गुरुदेव दर्शिका जैन तेंदुखेड़ा नमोस्तु करते हुए जानना चाहती हैं कि गुरुदेव उपहार में प्राप्त मूल्यवान वस्तुओं का यदि दान करें तो क्या वह दान की श्रेणी में आएगा? उपहार में प्राप्त मूल्यवान वस्तु आपकी हुई कि नहीं हुई? और आपने जो दान दिया वो आपने अपनी दी, उसकी थोड़ी दी। सामने वाले ने ये तो नहीं कहा कि तुम्हें दान देना है। कोई दान देने के लिए उपहार दे तो उसमें तुम्हारा पुण्य कम होगा, लेकिन किसी ने तुम्हें बिना शर्त उपहार दिया और तुमने उसे दान में लगा दिया तो ये तुम्हारा दान ही कहलाएगा, क्योंकि वो द्रव्य तुम्हारा हो गया है, है ना? चलिए, गुरुदेव ललिता जी ठोलिया जयपुर नमोस्तु अर्पित कर जानना चाहते हैं, ये कह रहे हैं कि गुरुदेव आजकल शरीर में टैटू बनवाने का फैशन चल गया है, यदि हाथ में टैटू बना हो तो क्या वह अभिषेक कर सकता है एवं आहार दे सकता है? मुझे बहुत संशय है, कृपया समाधान दीजिए। देखिए, अभिषेक और आहार का निषेध करना तो उचित नहीं है, लेकिन ये परंपरा अच्छी बात नहीं है। जिस तरीके से शरीर में टैटू बनाकर पूरे शरीर को विकृत करने की परिपाटी चल पड़ी, पूरा शरीर काला करना है, यानी अपने जीवन में कालिक पूतना और क्या है। और कई लोग हैं तो पूरे के पूरे शरीर में टैटू बना देते हैं। ये अंधानुकरण है, इससे बचना चाहिए, बल्कि बचना ही चाहिए। महावीर नगर दुर्गाप्रास जयपुर से महाश्री प्रमोद कुमार जी पापड़ीवाल नमोस्तु करते जानना चाहते हैं कि अर्जुन ने कर्ण का कुछ भी नहीं बिगाड़ा, लेकिन फिर भी कर्ण अर्जुन का दुश्मन बना। कई बार हमारी गलती नहीं होती, फिर भी हम लोग हमारे हुनर व गुणों के कारण दुश्मन बन जाते हैं। प्रश्न यह है गुरुदेव कि किसी भी व्यक्ति का हुनर व गुण कभी छिप नहीं सकता, तो फिर हमें ऐसे में क्या करना चाहिए? देखिए, बात बहुत अच्छी है, बहुत गहरी है।
कि अर्जुन का प्रमुद कर्ण, अर्जुन ने कर्ण का कुछ नहीं बिगाड़ा ऐसा दिखता है, फिर भी कर्ण अर्जुन का दुश्मन बन गया। अगर हम अतीत में जाएं तो जरूर किसी न किसी निमित्त का योग मिलेगा जो किसी जन्म में इनका उनका संबंध रहा। इस संदर्भ में मैं दो बातें कहना चाहूँगा। प्रायः हमारी मित्रता और सत्यता जन्म संबद्ध अनुबद्ध मानी जाती है। हमारी किसी से मैत्री है, जन्म जन्म की मैत्री है, शत्रुता है तो जन्मों की शत्रुता है, ऐसा कहा जाता है। पर ऐसा एकांत नहीं है। बहुत सारी शत्रुताएं संयोगवश भी बन जाती है। उदाहरण के लिए पारसनाथ भगवान कमठ और मरुभूति के बीच में बैर बंधा। मरुभूति ने कोई अपराध नहीं किया, कमठ ने अपने मन में गांठ बांध ली, 10 भाव तक पीछा करता रहा। यहां तक कि तीर्थंकर बन जाने के बाद भी कमठ अपनी दुष्टता से बाज नहीं आया। सवाल, ये 10 भावों का जो उपसर्ग है, ये पार्श्वनाथ के कर्म के कारण आया या कमठ के बैर के कारण आया? पार्श्वनाथ भगवान ने तो ऐसा कोई कर्म बांधा ही नहीं था। बांधा था क्या? कब बांधा? 10 भावों का कोई रिकॉर्ड है जिसमें पार्श्वनाथ भगवान ने बांधा? पारसनाथ भगवान ने कोई कर्म नहीं बांधा, लेकिन उसने अपने हृदय में प्रगाढ़ वैर बांध लिया था। तो उसकी उस वैर के निमित्त से पारसनाथ भगवान के कर्म वैसे उदय में आने लगे। समझ गए? इसी तरह कई जीवों का कई तरह का संयोग होता है। अर्जुन और कर्ण का प्रत्यक्ष रूप से कोई वैर नहीं था, लेकिन एक निमित्त था कि कर्ण का लालन पालन अपने माँ बाप के पास नहीं हो पाया, कथा आप सबको पता है। तो वो घर से बाहर निकला और वो भी कोई ना कोई निमित्त था। तो निमित्त नैमित्तिक संयोग बनते हैं और वो संयोग एक दूसरे के लिए ऐसे कारण बन जाते हैं। इसलिए कभी किसी के साथ बैर रखो मत। बैर हो जाए तो उसे वहीं ख़त्म करने की कोशिश करो, और कदाचित कोई ऐसा आ भी जाए तो इसे संयोग मानकर समता से स्वीकार करो। सामने वाले का बैर खत्म नहीं हो, हो सकता है खत्म ना हो, पर वह तुम्हारे प्रगति को नहीं रोक सकता, जैसे पार्श्वनाथ ने उत्तरोत्तर प्रगति की। घबराओ मत। सामने वाला तुमसे द्वेष रख रहा है, सामने वाला तुमसे ईर्ष्या कर रहा है, सामने वाला तुमसे घृणा कर रहा है, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, तुम निष्कलुष रहो। वो जितना तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेगा तुम उतना ऊंचा उठोगे, तुम उतना ऊंचा उठोगे। पार्श्वनाथ भगवान का ही आदर्श हम सबके सामने, इसलिए कभी घबराने की जरूरत नहीं। धनपाल जी, मंगललाल जी, जैन खांडे कॉलोनी बांसवाड़ा उपस्थित हूँ प्रश्न प्रस्तुत करने के लिए। अंतिम ऑनलाइन प्रश्न, विपुल जी जैन न्यू दिल्ली, आपके चरणों में नमोस्तुते जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, आजकल एक मास्टर सेफ नाम का लोकप्रिय टीवी सीरियल, क्या मास्टर सेफ कार्यक्रम सीरियल हमारे घर में भी देखा जाता है, और उसमें सभी प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं, मांसाहारी भी। तो जब वह सीरियल टीवी पर आ रहा होता है, मैं दूसरे कमरे में होता हूँ और मुझे वहाँ पर मांसाहारी व्यंजनों की आवाज़ आ रही होती है, जिसे सुनकर मन में बड़ी ग्लानी होती है। तो जब मांसाहारी व्यंजनों के नाम सुनकर इतनी ग्लानी होती है, तो देखने वालों का मन क्या खराब नहीं होता होगा? क्या इसमें दोष नहीं लगता होगा? गुरुदेव, इसमें दोष लगता है क्या? मार्गदर्शन कीजिएगा। निश्चित दोष लगता है,
और इसके लिए तो मैं चाहूँगा कि जो इस कार्यक्रम के संचालक हैं उनको आप लिखें कि जब कभी भी आप प्रोग्राम बताएं तो पहले से बता दें कि ये हमारे शाकाहारी व्यंजनों का है, ये मांसाहारी व्यंजनों का है। आप पूर्व घोषित करें या टाइम निर्धारित करें, अगर एक घंटे का शो है तो आधा घंटा हम या 20 मिनट शाकाहारी व्यंजन, 40 मिनट दूसरे देंगे, तो ऐसा घोषित करे ताकि दर्शक उसको उसी रूप में देख सके। और यदि ऐसा नहीं है तो या तो बीच में टीवी बंद कर दो अथवा ऐसा प्रोग्राम देखना बंद कर दो। बहुत सारे सेफ हैं शाकाहारी व्यंजनों को बताने वाले, उनका भी लाभ ले सकते हैं। आइए श्री मंधन पाल जी, मगननाथ जी जैन, खांड करौनी, बांसवाड़ा। तैयार है कमलेश जैन, जावर, मध्य प्रदेश। नमो सुहृदय, मेरा परिवार की ओर से और पूरे समस्त खांड कॉलोनी की ओर से वार नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, कई बार मन में ऐसा मन में भावना आती है जिस पथ पर आप चल रहे हैं उस पथ पर हम भी चलें, लेकिन संसार की विषम परिस्थितियां और परिवार की इसी विषम परिस्थितियों से हम उलझ चुके हैं, उन दोनों का कैसे समन्वय में बिठा जाए गुरुदेव और आपके पथ पर हम चलें? एक ही रास्ता, या तो पीछे लो या पीछे वालों के पीछे चलो। पीछे ले सकते हो बहुत अच्छी बात है, भावना भाव, भावना पूरी महाराज, पूरी भावना। और जब तक नहीं ले पा रहे हो तो पीछे वालों के पीछे लग जाओ, लगे हुए लगे रहो भाड़े भाई। नमस्ते, आइए श्रीमान कमलेश, श्रीमती कमलेश जैन जावर मत पर उपस्थित हो। श्रीमान कमलेश, श्रीमती बोल रहे हो, श्रीमान निकल रहे हैं। कमलेश जैन जावर उपस्थित हो। और तैयार हैं श्रीमान प्रेमचंद जी, पुष्पा जी जैन, मिश्रोली वाले, खारघर, मुंबई। महाराज जी, कहा जाता है कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया, पर आजकल देखा जाता है कि घर में माया अर्थात धन संपत्ति सबके पास है पर निरोगी काया नहीं है, तो इसका क्या कारण प्रभु जी? काल का प्रभाव है, कर्मों का प्रभाव है? कृपया समाधान। बिल्कुल, माया है पर काया नहीं है, ये आज का नहीं हर युग में रहा है। जितने सेठ साहूकार रहे बीमार ज्यादा रहे, जब माया के पीछे ज़्यादा भागने लगते हैं तो काया की उपेक्षा होती है, फिर काया रूठ जाती है। इसलिए मैं सभी से कहता हूँ, माया के पीछे लगना पर काया को साथ के चलना, काया रूठ जाएगी तो माया काम नहीं आएगी। इसलिए माया के पीछे लगो पर काया को साथ के चलो। ऐसे भी दो दो स्त्री को साधना बहुत कठिन होता है, एक तरफ काया है एक तरफ माया, इनको साधना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन वे ही कुशल होते हैं जो दोनों को साथ लेकर चलते हैं। समझ गए? नमस्ते महाराज। प्रेमचंद जी, पुष्पा जी जैन, मिश्रोली वाले, खारघर, मुंबई। दीजिए पीछे पीछे, कहाँ है? नहीं है, चलिए। केवल जी पाटनी, सुपुत्र नवीन जी पाटनी, खुशबू जी पाटनी, कोलकाता उपस्थित हों। इस बीच में हमारे सम्मानीय श्रीमान पवन जी आश्री कासलीवाल, कल्याण भवन, इंदौर आ चुके हैं, उनसे निवेदन किया है गुरुदेव चरणों में अभिनंदन प्राप्त प्रदान करें। आइए श्रीमान पवन जी राष्ट्रीय कासलीवाल, आइए। इन्होंने आज गुणातन स्वर्ण कार्य के लिए स्वर्ण प्रदान करके जीवन को स्वर्णिम बनाया है, तालियां बजाकर अभिनंदन कर कीजिएगा इनका। आइए हम इनका सम्मान करें। अब तक प्रश्न करेंगे कैवल्य पाटनी, सुपुत्र नवीन जी, खुशबू जी पाटनी, कोलकाता। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि देवशास्त्र गुरु में शास्त्र गुरु से पहले आता है, तब फिर पंच परमेश्वरी में शास्त्र का वर्णन क्यों नहीं है? देखो, देव शास्त्र गुरु में हम पूजा देव शास्त्र गुरु की करते हैं और क्रम में गुरु से पहले शास्त्र का उल्लेख करते हैं, पर पंच परमेश्वरी को हम मंत्र के रूप में जपते हैं और जिनवानी जो है अरहंत परमेष्टि के मुख से निर्गत है। इसलिए पंच परमेष्टि जो साधक हैं, जो साधना में लगे हैं या जिनने साधना का फल प्राप्त कर लिया है, उनके लिए हम नमस्कार करते हैं। जिनवानी जड़ है और पंच परमेष्टि चेतन है, इसलिए देव शास्त्र गुरु की तुलना में हम पंच परमेष्टि को विशेष महत्व देते हैं और पंच परमेष्टि में शास्त्र को स्थान नहीं दिया। समझ गए? चलिए। हाँ, श्रीमान पवन जी राष्ट्रीय जी कासलीवाल, कल्याण भवन, इंदौर, जिन्होंने आज
स्वर्ण प्रदान करके जीवन को स्वर्णिम बनाया है। गुरुदेव चरण की अभिनंदन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। इनका सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ गुणाधन के CFO श्रीमान सुनील जी जैन को और श्रीमती व्रतवती बहन शकुन दीदी सागर। आ जाए सम्मान, आइए आइए दोस्तों आइए। और हमारे बीच में आज गुणाधन के ट्रस्टी हरियाणा से अनिल जी जैन, रोहतक हरियाणा श्रीमान अनिल जी जैन हैं। साधारण आमंत्रित हमें आए, गुरुदेव चरणों की अभिवंदन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। इनका सम्मान करने के लिए गुणायतन कपूर जी जैन कोटा, कपूर जी आ जाएं सम्मान करने के लिए। श्रीमान अनिल जी का सम्मान करने के लिए कपूर जी कोटा। हाँ प्रश्न करेंगे, हाँ हाँ जब तक पवन जी सवाल करेंगे, पवन जी जब तक सवाल करेंगे तब तक आ रहे हैं, अनिल जी आ रहे हैं तब तक सवाल करेंगे। पवन जी अपना प्रश्न प्रस्तुत करें और आइए बोलिए। नमोस्तु महाराज जी, मेरे परिवार की तरफ से, इंदौर की समाज की तरफ से नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि आजकल के जनरेशन की सोच है कि जैन धर्म भाव प्रधान है और भावों से ही अपन सत्य, मतलब भाव प्रधान है इसलिए सत्य तो यही है, तो द्रव्य आदि चढ़ा के आप लोग पूजा कैसे कर, क्या जरूरी है? वेरी गुड सर, उनसे बोलो बिना भाव के कोई द्रव्य चढ़ाता है क्या? मेरे द्रव्य चढ़ाने के भाव हुए तब तो मैं द्रव्य चढ़ा रहा। माना कि बिना भाव की क्रिया का कोई अर्थ नहीं, पर गिना बिना क्रिया के भावों में ठहराव कहाँ? अपने भावों में ठहराव लाने के लिए क्रिया करना जरूरी है। समझ गए? हम लोग रोज, आप लोग पूजा में बोलते हो द्रव्यस्य शुद्धिमधिगम्य यथानुरूपम्, भावस्य शुद्धिमधिकाम अधिगन्तु काम, आलंबनानि विविधान्यवलंब्य वलगन भूतार्थ यज्ञ पुरुषस्य करोमि यज्ञम्। बोलते हैं आप, तो हमने सारे द्रव्य का आलंबन लिया है किसके लिए? उत्कृष्ट भाव विशुद्धि को पाने के लिए, तो ये आलंबन है। तो भावों के ठहराव के लिए क्रिया से जुड़ाव जरूरी है, ठीक है ना? हाँ। रोहतक हरियाणा से हमारे बीच में आज वहां तक ट्रस्टी श्रीमान अनिल जैन अपने परिवार के साथ हैं। वे आए गुरुदेव चरणों की अभिवंदन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। उनका सम्मान करने के लिए श्रीमान कपूर जी जैन कोटा सम्मान करेंगे। आप इतनी लगातार बस्ती रहें, आज एक गुणायतन के ट्रस्टी के रूप में आए हैं, एक दिन ऐसा आए जब एक गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक के रूप में यहाँ उपस्थित हो। श्रोमणी बनने के लिए एक दिन ऐसा आए जब आप श्रोमणी बनकर के यहाँ उपस्थित हो, मेरी भावना है। आप तारी लगातार भजन के सम्मान के लिए ये रोहतक से हमारे बीच में अनिल जी जैन ट्रस्टी गुणायतन और उपस्थित हो। श्रीमान जतिन जी जैन लखनऊ, रेणु जी विनय जी जैन परम संरक्षक गुणायतन, रेणु बिनाई जी जैन, हुकुम टीकम चंद जी, शर्मिला जी जैन जयपुर, एक नाम नाम नहीं, बीना जी काला गया ट्रस्टी गुणायतन, या कौन है? गई। हाँ। आप बोलो, अपना नाम बोल दो, कर लो। मैं अनामिका विनय रेणु जी जैन की बेटी हूँ। हाँ बोलो। ओम अनामिका। मम्मी ने ये लाइन पढ़ी थी, जीवन के संघर्षों को उत्सव बना लो, सांसों का आना जाना त्योहार बन जाएगा। बहुत अच्छा। कैसे? जीवन में संघर्षों को उत्सव बना लो, सांसों का आना जाना त्योहार बन जाएगा। बड़ा आराम, संघर्ष को सहर्ष स्वीकार कर लो, उत्सव बन जाएगा। जब हमारे सामने कठिनाइयाँ परेशानियाँ चुनौतियाँ आती है, हम घबरा जाते, उदासी छा जाती। यदि हम उसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार लेते हैं, सहर्ष स्वीकारते हैं, तो हमारे लिए आनंद देता है और त्यौहार तो आनंद का ही नाम है। इसलिए जब भी जीवन में कुछ अगर घटे, उसे सहर्ष स्वीकार करने का अभ्यास करें। श्रीमान प्रेमचंद जी, पुष्पा जी जैन मिसरौली वाले खारघर मुंबई से उपस्थित हों, तैयार हैं। श्रीमान प्रणय जी पाटनी अपनी नानी संतोष देवी अजमेरा के साथ गांधीधाम से। मैं जतिन जैन की माता संगीता जैन। हाँ बोलो। लखनऊ से
नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव के चरणों में जतिन जैन पुत्र स्वर्गीय मुकेश जैन लखनऊ की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। लखनऊ की सारी समाज की ओर से गुरुजी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि यदि किसी परिवार ने बहुत लोगों के साथ धोखा व चोरी की हो और वह परिवार शिखर जी की वंदना कर रहा हो तो उन्हें इसका पुण्य फल क्या मिलेगा? शायद वो अपने धोखा के पाप काटने की भावना से आया, क्योंकि हम लोग कहते हैं शिखर जी की जो वंदना कर लेता वो नरक पशुगति से बच जाता है। तो अगर किसी ने पाप किया और पाप करने के बाद यहाँ आकर उसका प्रायश्चित कर रहा है तो हमें उसके प्रति सकारात्मक होना चाहिए और ऐसे लोगों को देखकर द्वेष करने की जगह मन में भावना भरना चाहिए, हे भगवान इस वंदना से इसका हृदय कलुष धुल जाए, इसकी बुद्धि सद्बुद्धि में परिवर्तित हो जाए और जिन जिन को धोखा देकर नुकसान पहुंचाया उनका भरण पोषण कर दे। लेकिन ये उत्तर सुनकर ऐसा मत सोच लेना कि महाराज ने तो अब पाप करने का लाइसेंस दे दिया, जितना धोखा देना है देव, खूब धोखाधड़ी करो, एक शिखर जी की वंदना कर लो सब पाप कट जाएंगे, ऐसा मत करना। समझ तैयार हैं प्रणय जी पाटनी अपनी नानी संतोष देवी अजमेरा के साथ गांधीधाम से, बोलिए। प्रणय पाटनी, अच्छा प्रेमचंद जी, पुष्पा जी बोलिए। नमोस्तु मनुष्य, नमोस्तु। बोलो। हेलो हेलो, हाँ नमोस्तु मनुष्य, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं प्रेमचंद जैन मिसोली वाला खारगर नवी मुंबई। मेरा प्रश्न बैर भाव से है। एक जीव दूसरे जीव से बैर भाव करता है, दूसरा जीव उसका विरोध नहीं करता, फिर भी पहला जीव लगातार बैर भाव रखता है और दूसरी जीव विरोध न करने के बाद भी निरंतर ऐसा ही चलता रहता है, ऐसा क्यों? यही तो अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, कई बार संयोग भी बन जाता है। आगे प्रणय जी पाटनी उपस्थित नानी संतोष देवी के साथ, और तैयार हैं श्रीमान अर्पित जी स्मृति जैन नागपुर ट्रस्ट गुणायतन गणेशपीठ नागपुर से। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हमारे जीव, हमारा और पूरे ब्रह्मांड का अस्तित्व क्यों है, इसका कारण क्या है? हमारा और ब्रह्मांड का जो अस्तित्व है किसी कारण से नहीं है, ये स्वभाव से अनादि से है, अनंत काल तक रहेगा। समझ गए? किसी ने बनाया होता तो हम पूछते क्यों बनाया, फिर हम सोचते इसका कोई कारण है, ये अकारण है, स्वभाव से है, अनादि से है, अनंत काल तक बना रहे। नमोस्तु महाराज। आइए श्रीमान गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान विजय कुमार जी, रविकांता जी के सुपुत्र अमृत कुमार जी, स्मिता जी, निमित जी जैन नागपुर, तैयार रहे। नमोस्तु गुरुदेव। श्रीमान अंकुश जी, स्वाति जी जैन जबलपुर। नमोस्तु गुरुदेव। मेरा और मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न यह है कि कभी कभी हम बच्चों को सही राह पर चलाने के लिए प्यार के साथ साथ उनके साथ कठोर कदम भी बढ़ाते हैं, कठोर कदम उठाते हैं, तो इससे बच्चों के मन में हीन और द्वेष की भावना आ जाती है, तो ऐसा क्या करें कि उनके अंदर ये हीन भावना ना आए? और साथ ही जैन धर्म को समझाने के लिए उनको तर्कसंगत तरीके से जैन संस्कृति को कैसे समझाएं? हमारे गुरुदेव कहते हैं शिष्य और शिष्य पर डांट लगाना चाहिए, बिना डांट के शिष्य और शिशु का भविष्य कहाँ, बिना डांट के शिष्य और शिशु का भविष्य कहाँ, शिष्य और शिशि का भविष्य कहाँ। शिशि में डांट नहीं लगा, डांट यानी ढक्कन, तो उसकी दवा निकल जाएगी। शिष्य पर डांट नहीं लगा तो उसके संस्कार बह जाएंगे। तो उनका भविष्य बनाए रखने के लिए अगर डांट लगाया जाता है तो कोई बुराई नहीं, पर डांट इतनी हो कि वह जरूरत पड़ने पर खुल सके, उसका तेल निकल सके, ऐसी डांट नहीं कि उसको इतना कस के लगा दिया
कि वो खुले ही नहीं, अंतर हाथ संभार के बाहर मारे चोट। समझ गए? तो अंतर हाथ संभार के बाहर मारे चोट, हम अंदर सपोर्ट दें, किसी की हिताकांक्षा से यदि डांट लगाई जाए तो कोई बुराई नहीं, बल्कि थोड़ी बहुत डांट जरूरी है, लेकिन 10 गलती पर एक बार डांटो, एक गलती पर 10 बार मत डांटो। आप बच्चों के पीछे पड़ जाते हैं, आप नहीं पड़ती होगी, लेकिन आप जैसी जितनी भी आजकल की मम्मियां हैं, माताएं नहीं, क्या है, मम्मियां हैं, वो बच्चों के पीछे पड़ जाती है ना, तो देखो बच्चे इस बात को अच्छे से समझ रहे, पीछे मत पड़ो। देखो गलती हो, छोटी मोटी गलती को नजरअंदाज करो, बड़ी गलती हो जाए उसे समझाओ, प्यार से समझाओ, आंखों का डर दिखाओ, उन्हें इस बात का एहसास कराओ कि माँ बाप की जीवन में क्या भूमिका है और उनकी उपेक्षा करने का क्या परिणाम है। बच्चे कभी गलत रास्ते पर नहीं चलेंगे, और कम बोलने वालों की वजनदारी बनी रहती है, ज़्यादा बोलने वाले की कोई नहीं सुनता। हमारे गुरुदेव की विशेषता रही, वे हम लोगों की छोटी मोटी गलतियों को तो कभी देख भी लेने तो कुछ नहीं बोलते, नज़रअंदाज कर देते थे, बाजू से निकल गए हैं। हम लोगों के मन में दहशत है, लेकिन उनने देखा और अनदेखा कर दिया। लेकिन कभी कोई बड़ी गलती हो ना, तो एक साथ पूरी फाइल खोल दे, समझ गए? तो मैं अक्सर उदाहरण देता हूँ, आप लोगों की हाथ में घड़ी है ना, हर सेकेंड में टिक 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 की आवाज़ आ रही है, कभी उधर ध्यान जाता है, टिक 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 चल रहा है, पर कोई अलार्म वाली घड़ी हो एक घंटे में टन करती है तो क्या होता है, आप लोग भी सन्न हो गए ना, हाँ? कभी कभार हो तो आपको होता, रोज करता रहूं तो होगा क्या, एक घंटे में एक बार आवाज होने से सबको, सबका ध्यान आकृष्ट कर ली। इसलिए सलाह देता हूं, टिक टिकाने की आदत छोड़िए, मौका पड़ने पर धीरे से टंग कर दीजिए, समझिए, वो आपकी बात होगी। ये छोटे बच्चों के लिए नहीं, बड़ों बेटों और बहुओं के लिए भी, ये घर के दादा लोग और सासुओं से भी मैं कहना चाहूँगा, अपने बहू बेटों के प्रति भी पीछे मत पड़िए। कम बोलने वाले सदैव प्रासंगिक बने रहते हैं, और बार बार टोका टाकी करने वाले अपनी प्रासंगिकता खो बैठते हैं, समझ गए? चलिए आइए अंकुश स्वाती जी जैन जबलपुर से, अंकुश स्वाती, और तैयार हैं श्रीमान सुनील जी, रेखा जी जैन, ट्रस्टी गुणायतन, सुकृति सोहानी के साथ कोऑर्डिनेटर प्रमाणिक ऐप गुड़गांव, ऐप नहीं प्रमाणिक समूह, प्रमाणिक समूह। मेरे परिवार की ओर से गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरु जी मेरा प्रश्न है, पुण्य कर्मों के योग से जैन कुल व जैन धर्म में जन्म हुआ, लेकिन कर्मों की गति के कारण कुछ ऐसी असाध्य और जन्मजात परेशानियां आ जाती हैं जिसके कारण सभी का जीवन संघर्षमय एवं कष्टमय हो जाता है। तो गुरु जी उन परिस्थितियों में ऐसा क्या करें कि पाप कर्मों का बंध भी ना बंधे, सेवा भाव का पालन भी हो सके, और जो पिछले पाप किए हैं उनका क्षय भी हो सके। उन बीमारियों को और या उन परिस्थितियों को अपने जीवन की विसंगति और बीमारी मानने की जगह कर्म काटने का निमित्त मान लो, और ये सोचो कि मेरी नियति या मेरी परिणति मुझे इसी रूप में तपस्या कराना चाहती है, ये मेरी समस्या नहीं, ये मेरी तपस्या है। क्या बोल रहा हूं? ये मेरी समस्या नहीं, ये मेरी तपस्या है, मुझे इसे सहज स्वीकार करना है, इसकी सेवा करनी है, जितनी मैं लिखा कर आया हूँ मुझे करना है,
उत्साह के साथ करना है और सकारात्मक सोचो, बीमारी आई है कोई बात नहीं, पर इतना समर्थ हूँ कि चिकित्सा करा सकूँ, ये सोचो। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी मिलते हैं जिनकी बीमारी आती है वो बीमार ही नहीं होते, लाचार भी हो जाते, दूसरों के ऊपर मोहताज होना पड़ता है। तुम्हारे साथ तो ऐसा नहीं है, तो सकारात्मक सोचो। जो बीमार है वो भी कम से कम तन से लाचार है, मन तो स्वस्थ है, उसको प्रमोट करो। इसलिए हर समस्या को आप तपस्या में परिवर्तित कर सकते हैं यदि उसके प्रति सकारात्मकता और स्वीकार भाव। आइए श्रीमान सोनी जी, रेखा जी जैन, ट्रस्ट गुणायतन, बेटी सुकृति एवं सुहानी के साथ जो कोऑर्डिनेटर हैं प्रमाणिक समूह की गुड़गांव से, तैयार हैं श्रीमान अरुण जी, आरती जी बाकलीवाल, नसीराबाद। नमोस्तु नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, जीवन के जब शुरुआत में जो है ऐसा लगता है कि देव गति जो है वो मनुष्य गति से बहुत अच्छी है, लेकिन जब जीवन जब आधे से ज़्यादा निकल जाता है तब पता पड़ता है कि मनुष्य जीवन जो है देव गति से बहुत अच्छा है। अब जो है कह दिए कि इस स्थिति में जो है अब बाकी बचे हुए जीवन से अपना कल्याण कैसे करें। बहुत अच्छा भाव प्रकट किया है। पहले तो सोचते देव गति अच्छी है, पर जीवन का बहुभाग बीत जाने के बाद लगता है कि अरे मनुष्य गति से अच्छा और कुछ नहीं। मतलब जो बीत गया है वो हमें दिव्य दिखता है। आपने पूछा भावी जीवन को संभालने के लिए क्या करें, गई सो गई, बच्ची को सो बचा ले। हम अगर एक पल भी अपने जीवन को दिव्यता के साथ जी ले तो देवत्व से भी उच्च स्थान प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा न सोचें कि मेरी आधी जिंदगी बीत गई तो अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, अभी आधी जिंदगी बाकी है, मेरे पास बहुत कुछ बचा है। जो खोया है उसकी तरफ देखने की जगह जो बचा है उसे संभालने की चेष्टा कीजिए। हम लोगों की एक बड़ी प्रवृत्ति है कि हम लोग अपनी पूरी शक्ति उसके पीछे खपा देते जो खो गया, काश बच्चे को संभालने में चेष्टारत होते तो हम कहीं और होते। इसलिए आपको आधार बनाकर आप जैसे सेवा निवृत्तों से मैं कहता हूँ, अब मेरा तो जीवन बीत गया, मेरे पास दिन कहाँ बचे, ये सवाल बंद करो, ये सोचना भी बंद करो। अभी मेरे पास जो बचा है वह सब सेवा के लिए बचा है। मैं सेवा निवृत्त हुआ हूँ, इसका मतलब सेवा से निवृत्त नहीं, सेवा के लिए निवृत्त हुआ हूँ। अपने आप को सेवा के लिए निवृत्त कर लो और देखो क्या आनंद है। अभी भी बहुत सत्ता है, बहुत कुछ किया जा सकता है, तो इस भूमिका में जो कर सकते हो कर लो। एक वाक्य याद रखो, कर लो सो काम और भज लो सो राम। सुकृति सुहानी जी, रेखा जी, हाँ बोलो रेखा जी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। महर्षि, आत्मशक्ति और आत्मगुण में क्या अंतर है? आत्मशक्ति और आत्मगुण, आत्मगुण आत्मबल और आत्मशक्ति तो पर्यायवाची शब्द है। आत्मगुण, चूंकि आत्मा में बल एक शक्ति है, वो एक गुण है, लेकिन आत्मा में केवल बल ही गुण नहीं है, ज्ञान भी है, दर्शन भी है, चेतना भी है, सुख है, दुख है, वो सब आत्मगुणों में आता है। शक्ति में भी 47 शक्तियों में भी आते ना, वो उसी की भेद में हम विवक्षा बना दे तो शक्ति आ जाए, 47 शक्तियां हैं, पर आत्मशक्ति को मैंने आत्मबल के संदर्भ में लिया था जी, जी। तो वह उस रूप में कह सकते हैं। शक्ति को गुण के रूप में भी हम एक दूसरे की पर्यायवाची में भी कह सकते हैं। सुकृति सुहानी, महर्षि आपके सामने सवाल, चलो हाँ जानकारी दो। प्रमाणिक समूह की तरफ से बस यही है महाराज जी, कल प्रवचन कल के शंका समाधान के बाद भी काफी लोगों ने बोला कि वो लोग जैसे अलग अलग शहरों में हैं, तो क्या उनके लिए हम ऑनलाइन कुछ कर सकते हैं, या मतलब पाठशाला 2-3 या 5-6 जनों के लिए आपका क्या मार्गदर्शन है महाराज जी? देखिए बहुत अच्छी बात है, कल मैंने बात की थी, आज पुनः कहता हूँ, आप अगर अपनी पाठशाला को जीवंत पाठशाला बनाए रखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके बच्चे रुचिपूर्वक जिद करके पाठशाला आए,
आपको ज़्यादा कुछ कहना ना पड़े तो आप अपनी पाठशाला को प्रामाणिक पाठशाला से संबद्ध कीजिए। पाठशाला प्रामाणिक पाठशाला से आज मुझे बताया लगभग 200 लोगों के रजिस्ट्रेशन प्रामाणिक पाठशाला में हो गए, जिसमें इन्होंने 70 को मान्यता दी है। ये अपने प्रावधानों के अनुसार देंगे, लेकिन मैंने आज इन लोगों से यही कहा सारे देश की पाठशालाएं अगर इस तरह से टेक्नोलॉजी के साथ खेल खेल में ज्ञान देने लगे तो बच्चों का न केवल भविष्य सुधरेगा, हमारी पीढ़ियाँ सुधर जाएगी। तो जितने भी देश में पाठशालाएं संचालित हो रही है वो जुड़े, प्रामाणिक समूह के अन्य क्रियाकलापों से भी जुड़े ताकि बच्चों का भविष्य अच्छा हो सके। आइए श्रीमान अरुण जी, आरती जी बाकलीवाल नसरियाबाद से, तैयार हैं श्रीमान केशव जी, नीतू जी जैन मायू नगर दिल्ली से अंश एवं पूजा के साथ। गुरुवर के चरणों में मेरा त्रैवार नमोस्तु 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 गुरुवर। गुरुवर मेरा प्रश्न ये है कि हम जैन हैं और जैन धर्म के सिद्धांतों को हमेशा मानते हैं, लेकिन हम जैसे कहीं जा रहे हैं और जैसे कोई दूसरे धर्म का कोई मंदिर आ जाता है तो हमें ऐसे मतलब ऐसे लगता है कि मतलब हम जैसे उस धर्म के प्रति हमारा मन हो जाए कि हम उस भगवान के दर्शन कर लें और हम सिर्फ बाहर से हाथ जोड़ लेते हैं और अंदर जाकर के देखो मैं बता रहा हूँ, हमारा मंदिर मंदिर होता है, धर्म नहीं होता। हम धर्म के पालक हैं, हमारा धर्म वीतराग है और वीतराग आदर्श की हम वंदना करते हैं, तो हमें वीतरागता की पूजा करनी चाहिए, वीतराग आदर्श को अपना करके चलना चाहिए, बाकी हमें और विकल्प नहीं करना चाहिए। आगे केशव जी, नीतू जी जैन मालवी नगर दिल्ली से अंश पूजा के साथ, और तैयार हैं श्रीमान सुनील जी, रेखा जी जैन देहरादून सी एफ गुणायतन। बोलिए, जल्दी बोलिए। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हम भगवान को चावल ही क्यों चढ़ाते हैं? चावल इसलिए चढ़ाते हैं कि अन्य अनाजों को बोएंगे तो उग जाता, चावल उगता नहीं, और चावल के ऊपर कोई आवरण नहीं होता, कोई कवर नहीं होता, समझ गए? चावल एकदम स्वच्छ होता है, ऐसे ही हम अपने मन को स्वच्छ करने के लिए भगवान के चरणों में चावल चढ़ाते हैं। उपस्थित हूँ गुणांतन के CFO श्रीमान सुनील जी, रेखा जी जैन देहरादून से, और तैयार हैं श्रीमान रविंद्र जी जैन मंडावली दिल्ली। महाराज श्री के श्री चरणों में मेरा बारम्बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री कहते हैं कि मन की बात किसी को बता देने पर मन हल्का हो जाता है, लेकिन यह देखा जाता है किसी से अपनी मन की बात कह दी तो जीवन भर पछताना ही पड़ता है, तो मन की बात करनी चाहिए या नहीं? करनी भी चाहिए और नहीं भी करनी चाहिए। मन की बात अगर बतानी तो इसको बताओ जो समुद्र की तरह सबको पचाने में समर्थ। मन की बात बताने के लिए भारी व्यक्ति के लिए मन की बात बताओ, हल्के व्यक्ति के लिए मन की बात मत बताओ। ऐसों को मन की बात बता दो कि वो ढिंडोरा पीट दे तो और लेने का देना हो जाए। हर किसी को अपने मन की बात नहीं कहना चाहिए, जो बहुत साफ स्वच्छ मनोवृत्ति वाले हैं उनसे ही अपने मन की बात कहनी चाहिए। आइए श्रीमान रविंद्र जी जैन मंडावली दिल्ली से, तैयार हैं श्रीमती नीति जी कलरैया टेस्टी गुणायतन खारघर मुंबई। महाराज जी के चरणों में बारम्बार परिवार की तरफ से नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज जी, हमें मनुष्य प्रजा में ऐसा क्या कार्य करना चाहिए जिससे हमारी मनुष्य प्रजा सातस्य पुण्यवर्धक हो और हमें उत्तम गति की प्राप्ति हो? मनुष्य पर्याय को सार्थक बनाए रखने के लिए मानवोचित आदर्शों का पालन करना चाहिए और सावक धर्म का पालन करो, व्रतों का आचरण करो, यही भाव का सार। श्रीमती नीति जी कल रही है ट्रस्टी गुणायतन खारघर मुंबई, तैयार है श्रीमती रानी जी जैन संदीप जैन सागर। मेरे अनंत उपकारी गुरुवर के चरणों में कोटिशह नमन परिवार का खारघर दिगंबर जैन समाज का। महाराज जी, वो लोग बड़े भाग्यवान होते हैं जो पैदल पर्वत राज की वंदना करते हैं, पर जिन डोली की आवश्यकता रहती है तो डोली वाले का भी जो नियमावली मंदिरों में बना के रखी है कि इतने वजन का इतना रेट है, लेकिन उनका भी चार्ज डबल तिगना वगैरह रहता है, और जब कोई खास फंक्शन होता है कल्याण का त्यौहार तब तो और ज़्यादा रेट रहता है, तो मन में विकल्प आता है कि हम इनको ज़्यादा पैसे दे के और ये यात्रा करें, पर वो पैसे का दुरुपयोग भी करते हैं। हमारे सामने ही
वो खाते पीते रहते हैं और वहीं पर्वत राज पे गंदा भी करते हैं, तो हम भी उसमें निमित्त बनते हैं, तो हमें भी पाप लगता है, तो इसका कुछ सॉल्यूशन हो, मार्गदर्शन हो। आप यहाँ तो सवाल करते हो, फ्लाइट में ओवर चार्ज दे के आते हो तब नहीं होता, ट्रेन में प्रीमियम तत्काल की टिकट लेके आते हो तब सवाल नहीं करते हो, यहाँ सवाल क्यों कर रहे हो? सबसे बढ़िया पैदल जाओ, शक्ति नहीं है ना पैदल, तो फिर सवाल क्यों उठा रहे हो? चलो ओ आखिरी सवाल। श्रीमती रानी संदीप जैन सागर। महाराज श्री के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की तरफ से त्रय बार नमोस्तु 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 महाराज श्री। महाराज श्री मेरा प्रश्न यह है कि यदि हम कहीं मूर्ति विराजमान करवाते हैं और वहाँ पूजन अभिषेक करने नहीं जा पाते हैं तो क्या हमें वहाँ पाप लगता है? यदि लगता है तो हमें क्या करना चाहिए? मूर्ति विराजमान करते समय इतना द्रव्य रख देना चाहिए दान के रूप में, ताकि जीवन पर्यंत उसकी पूजा अर्चा होती रहे। इस प्रकार आज के सत्र को यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर। जय जय परम।